हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस की तरफ से 5 अगस्त को बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया गया है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के ऐलान के बाद से मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। डीसीपी की तरफ से पत्र जारी करके कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। सोनिया गांधी के आवास के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं, छावनी में तब्दील किया जा रहा है। जहां एक तरफ मोदी सरकार पूरी तैयारी में जुटी है कि किसी ना किसी तरीके से 5 अगस्त को होने वाले विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दो टूक बयान दिया है कि मैं किसी मोदी से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के किस बयान के बाद मच गया है तहलका, सुरक्षा एजेंसियों समेत पुलिस को कर दिया गया है अलर्ट, वो बयान पहले सुनिए। पहले बयान सुनिए, फिर आपको हालात दिखाते हैं कि इस ऐलान के बाद कैसे खलबली मच गई है। सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी कितने तीखे तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं मोदी से बिल्कुल नहीं डरता हूं, करना है जो करना है कर ले जाकर, मैं देश हित और लोकतंत्र को कायम करने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कितने सख्त दिखाई दे रहे हैं। 5 अगस्त यानी कि कल देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हल्ला बोला है। बता दें कि इस वीडियो को, अपने इस बयान को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी लिखते हैं कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, कर ले जो करना है, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं हमेशा देश हित में काम करता रहूंगा, सुन लो और समझ लो। तो कैसे राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है, आप देख सकते हैं। कल होने वाला है ये विरोध प्रदर्शन, जिसको रोकने की मोदी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जंग का आगाज कर दिया है। कहा है जो करना है कर लो, ये विरोध प्रदर्शन तो होकर रहेगा। आपको आगे का भी बयान सुनाती हूँ। इसके बाद जब राहुल गांधी अंदर की तरफ जाने लगते हैं, तब उनसे पत्रकार सवाल करता है कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि आप किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, उनका बयान सुनिए। राहुल जी, आपने कुछ बोला ईडी के बारे में, सर क्या आपने ईडी के बारे में बोला कि प्रधानमंत्री को जो कुछ करना है कर ले, और क्या है? और क्या मतलब, आप डरने वाले नहीं? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाले। और मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता। नहीं सर, लगातार और लगाए और बैरिकेडिंग करें। और सर, आपको जिस तरह से एआईसीसी मुख्यालय को बैरिकेड किया गया है, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता सर। लगातार आपके घर के सामने, आपके मैडम के घर के सामने बढ़िया और करिए, सच्चाई को बैरिकेड नहीं। क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं पुलिस ने मना किया, पुलिस ने मना किया है। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि मैं किसी से नहीं डरता। एक तो पहली बात, मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मोदी से तो बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। जितना बैरिकेड लगाना है लगा लें, जितनी पुलिस लगानी है लगा लें, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने जो ये हर घर तिरंगा जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस पर भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है राहुल गांधी ने, पहले उनका ट्वीट देखिए, फिर कैसे पुलिस को तैनात किया गया है, पुलिस बल लगाया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी का ट्वीट देखिएगा, वो लिखते हैं कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा
मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए थे और आज भी नहीं रोक पाएंगे। तो राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि रोक तो नहीं पाओगे, जो करना है कर लो, प्रदर्शन तो होकर रहेगा। जब से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, देशव्यापी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करने की तैयारी है। तब से पुलिस अलर्ट पर हो गई है। कितनी अलर्ट पर है आप तस्वीरें देखिए। आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए कि कितना भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनिया गांधी के घर के बाहर भी कैसे पुलिस बल, कैसे पुलिस की पूरी फौज तैनात कर दी गई है। कल जो होने वाला प्रदर्शन है उसको रोकने की आज से ही तैयारी कर ली गई है। बता दें कि इन जो फोटोज को, इन वीडियोस को शेयर करते हुए सरल पटेल लिखते हैं, कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लिखते हैं कि मोदी जी ये जितनी फोर्स कांग्रेस पार्टी के कार्यालय और श्रीमती सोनिया गांधी के आवास के बाहर लगा रखी है, अगर इतनी फोर्स LAC पर लगाई होती तो आज चीन हमारी जमीन पर कब्जा ना किया होता। तो कितनी फोर्स लगा रखी है आप देख सकते हैं। कैसे प्रदर्शन को रोकने की तैयारी है ये भी आप देख सकते हैं। कैसे मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं ताबड़तोड़। पुलिस एक तरफ बैरिकेटिंग लगाई जा रही है तो वहीं पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही DCP की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है कि प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कह दिया चाहे जो हो जाए, चाहे जितना डरा ले, विरोध प्रदर्शन तो होकर रहेगा। अजय माकन का भी आपको बयान सुना देती हूँ, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उनका क्या कहना है। खबर में लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन ने बुधवार को कहा कि आज हमें DCP का एक पत्र मिला है, हम 5 अगस्त को विरोध नहीं कर सकते और AICC को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है, यानी कांग्रेस कार्यालय को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। सरकार चाहे जितना चाहे हमें दबा सकती है, लेकिन हम महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य वस्तुओं पर GST का विरोध करेंगे और जेल जाने पर भी अपने कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। कितनी तैयारी कर रखी है वो भी आपको दिखा देते हैं। नव भारत टाइम्स की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, PM आवास घेरने की भी है योजना। क्या क्या योजना है आप देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है कि पार्टी प्रधानमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम भी आयोजित करेगी जिसमें CWC के सदस्य और वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। CWC कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई, कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों से कहा है कि 5 अगस्त को प्रदेश कमेटी की तरफ से राजभवन घेराव का आयोजन किया जाए जिसमें विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद और राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस प्रोग्राम को, इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। खबर में आगे लिखा है कि सूत्रों ने बताया है कि ये फैसला भी किया गया है कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस लगातार देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितना विरोध कर रही है और किस तरह के विरोध की तैयारी की गई है। गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार है, जिला स्तर से लेकर पंचायत से लेकर सांसद तक हर कोई तैयार है 5 अगस्त को होने वाले प्रोटेस्ट के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी तैयार है इसे रोकने के लिए। अब देखना होगा कि इन दोनों में जो भिड़ंत होती है वो कहां जाती है, कल जो 5 अगस्त को देशव्यापी प्रोटेस्ट होने वाला है उसका क्या हाल होता है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ये जो विरोध के स्वर है इसको दबाने के लिए क्या करेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।